हेलो दोस्तों, आज मैं आपको भगवान परशुराम के बारे में बताऊंगी। भगवान परशुराम महर्षि जमदग्नि और रेणुका के पुत्र थे। उनका जन्म अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। भगवान विष्णु के दशावतार में वो छठे अवतार थे। परशुराम जन्म से ब्राह्मण थे, पर क्षत्रिय गुणों से संपन्न थे। क्रोध और दानशीलता में उनका कोई सानी नहीं है। शस्त्र और शास्त्र के ज्ञाता सिर्फ भगवान परशुराम ही माने जाते हैं। भगवान शिव ने उन्हें मृत्युलोक के कल्याणार्थ परशु अस्त्र प्रदान किया, जिससे वे परशुराम कहलाए। वे परम शिव भक्त थे। परशुराम जी का उल्लेख रामायण, महाभारत, भागवत पुराण, कल्कि पुराण इत्यादि अनेक ग्रंथों में किया गया है। हनुमान और अश्वत्थामा की तरह परशुराम जी भी चिरंजीवी है। एक बार परशुराम जी के पिता ऋषि जमदग्नि अपनी पत्नी रेणुका पर क्रोधित हुए। रेणुका एक बार मिट्टी के घड़े को लेकर पानी भरने नदी किनारे गई, किंतु नदी किनारे कुछ देवताओं के आने से उन्हें आश्रम लौटने में देरी हो गई। ऋषि जमदग्नि ने अपनी शक्ति से रेणुका के देर से आने का कारण जान लिया और वे उन पर क्रोधित हुए। उन्होंने क्रोध में आकर अपने सभी पुत्रों को बुलाकर अपनी माता का वध करने की आज्ञा दी, किंतु ऋषि के चारों पुत्र रुक्म, वान, सुखेण, वसु और विश्वासनस अपनी माता के प्रति प्रेम भाव व्यक्त करते हुए अपने पिता की आज्ञा को मानने से इनकार कर दिया। इससे ऋषि जमदग्नि ने क्रोधवश अपने सभी पुत्रों को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। इसके बाद ऋषि जमदग्नि ने परशुराम को अपनी माता का वध करने की आज्ञा दी। परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपना अस्त्र फरसा उठाया और उनके चरणों में सिर नवाकर तुरंत ही अपनी माता रेणुका का वध कर दिया। इस पर जमदग्नि अपने पुत्र से संतुष्ट हुए और उन्होंने परशुराम से मनचाहा वर मांगने को कहा। परशुराम ने बड़ी ही चतुराई एवं विवेक से अपनी माता रेणुका तथा अपने भाइयों के प्रेम वश होकर सभी को पुनः जीवित करने का वरदान मांग लिया। उनके पिता ने उनके वरदान को पूर्ण करते हुए पत्नी रेणुका तथा चारों पुत्रों को फिर से नवजीवन प्रदान किया। ऋषि जमदग्नि अपने पुत्र परशुराम से बहुत प्रसन्न हुए। परशुराम ने अपने माता पिता के प्रति अपने प्रेम और समर्पण की मिसाल कायम की। एक बार पृथ्वी पर क्षत्रियों के राजा सहस्त्रार्जुन ने परशुराम के पिता जमदग्नि के आश्रम में कामधेनु गाय को देख लिया और उसे पाने की लालसा से वह कामधेनु को बलपूर्वक आश्रम से ले गया। जब परशुराम को यह बात पता चली तो उन्होंने पिता के सम्मान के खातिर कामधेनु वापस लाने की सोची और सहस्त्रार्जुन से उन्होंने युद्ध किया और सहस्त्रार्जुन मारा गया। तब सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने प्रतिशोधवश परशुराम की अनुपस्थिति में उनके पिता जमदग्नि को मार डाला। परशुराम की मां रेणुका पति की हत्या से विचलित होकर उनकी चिताग्नि में प्रविष्ट हो सती हो गई। इससे परशुराम को बहुत क्रोध आया और परशुराम ने क्रोध में सभी क्षत्रियों को मारने एवं पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय राजाओं की तानाशाही से मुक्त करने की शपथ ले ली। जब पृथ्वी पर सभी क्षत्रियों ने यह कसम सुनी तब वे पृथ्वी छोड़ छोड़ कर भागने लगे। पृथ्वी की रक्षा के लिए कोई भी क्षत्रिय नहीं बचा, इसलिए कश्यप मुनि ने परशुराम को पृथ्वी छोड़ने का आदेश दे दिया। मुनि कश्यप की आज्ञा का पालन करते हुए परशुराम महेंद्रगिरी के महेंद्र पर्वत पर रहने चले गए। वहां उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की। तब से लेकर आज तक महेंद्रगिरी को परशुराम का निवास स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि एक बार परशुराम जी भगवान शिव से मिलने भी गए थे। चूंकि शंकर जी ध्यान में थे, इसलिए श्री गणेश ने परशुराम जी को रोक लिया। इस पर परशुराम जी इतना नाराज हुए कि उन्होंने अपने फरसे से श्री गणेश पर वार कर दिया। श्री गणेश जी ने इस वार को झेलने के लिए अपना दांत आगे कर दिया। इस प्रकार उनका एक दांत टूट गया।
तभी से गणेश जी को एक दंत भी कहा जाता है। त्रेता युग दौरान रामायण में सीता के स्वयंवर में भगवान राम द्वारा शिव जी का धनुष तोड़ने पर परशुराम सबसे अधिक क्रोधित हुए थे। थोड़ी बातचीत के बाद समझ गए कि श्री राम खुद विष्णु के अवतार हैं। जब उन्हें पता चला कि भगवान खुद क्षत्रिय राजा के अवतार में धरती पर आ गए हैं, तो उन्हें लगा कि अब क्षत्रिय ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे जैसी उनके पिता के साथ की गई थी, और उन्होंने क्षत्रियों को मारना बंद कर दिया। महाभारत के प्रसिद्ध पात्रों भीष्म, द्रोण और कर्ण को भगवान परशुराम जी ने ही शस्त्र विद्या सिखाई थी। कथाओं के अनुसार एक बार भीष्म द्वारा हरण किए जाने के बाद जब काशी राजपुत्री अंबा को अपनाने से मना कर दिया, तब भीष्म के गुरु परशुराम के पास पहुंची और अपनी बात रखी। इस पर परशुराम ने भीष्म को अंबा से विवाह करने के लिए कहा, और जब वह नहीं माने तो उनके बीच भीषण युद्ध हुआ और अंत में उन्हें अपने पितरों की बात मानकर अस्त्र रखने पड़े। इस कारण वह भीष्म को नहीं हरा सके। कुंती पुत्र कर्ण पराक्रमी योद्धा था। कर्ण को यह ज्ञात नहीं था कि वह जन्म से क्षत्रिय है। वह सदैव ही स्वयं को शुद्ध समझता रहा, लेकिन उसका सामर्थ्य छुपा न रह सका। उन्होंने परशुराम को यह बात नहीं बताई कि वह शूद्र वर्ण के हैं, और भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त कर ली। किंतु जब परशुराम को इसका ज्ञान हुआ, तो उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि उनकी सिखाया हुआ ज्ञान उनके किसी काम नहीं आएगा जब उसे उनकी सर्वाधिक आवश्यकता होगी। इसलिए जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण और अर्जुन आमने सामने आते हैं, तब वह अर्जुन द्वारा मार दिया जाता है, क्योंकि उस समय कर्ण को ब्रह्मास्त्र चलाने का ज्ञान ध्यान में ही नहीं रहा। तो इस प्रकार देखा दोस्तों आपने चिरंजीवी भगवान परशुराम जी के बारे में। परशुराम जी भगवान श्री राम के समय में भी थे, वो महाभारत काल में भी थे, वो रामायण काल में भी थे, और वो गणेश जी जब छोटे थे तब उस काल में भी जीवित थे। कहा जाता है कि भगवान परशुराम आज भी जीवित अवस्था में महेंद्रगिरी पर्वत पर मौजूद रहते हैं। संसार के अष्ट चिरंजीवियों में से एक है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।